हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरिता। आप सबका सरिता पूरी कुकिंग एट होम किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 लेयर का बर्थडे कार्ड केक। इस ब्यूटीफुल केक को बनाने के लिए सभी स्टेप्स ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले राउंड शेप का पाइनएप्पल बेस केक तैयार कर लिया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल में बहुत सारे केक्स की रेसिपीज़ है, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। केक को हमने 3 लेयर्स में कट कर लिया है और फर्स्ट लेयर को हमने प्लेस कर दिया है और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं पाइनएप्पल सिरप। अगर आपके पास पाइनएप्पल सिरप नहीं है तो आप इसमें सिंपल चीनी और पानी को घोलकर भी डाल सकते हैं। हमने सिरप को अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर विप क्रीम लगा देंगे अच्छे से और अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं पाइनएप्पल क्रश। इसी तरह से हम 3 लेयर्स तैयार कर लेंगे। पाइनएप्पल क्रश और पाइनएप्पल सिरप बनाना बहुत ही आसान है। आप एक पाइनएप्पल ले लें और उसका छिलका उतार कर उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। आप इसे मिक्सी में पीस भी सकते हैं और उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा पानी डालकर इसको 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लें और उसके बाद इसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसको पीस लें, आपका ये क्रश तैयार हो जाएगा। और उसी क्रश के 2 चम्मच आप एक कटोरी में डालें और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें तो ये आपका पाइनएप्पल सिरप तैयार हो जाएगा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी। तीनों लेयर लगाने के बाद अब हम इसे विप क्रीम से अच्छे से कवर कर रहे हैं और ये देखिए हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया है। और अब हम इसे कार की शेप दे देंगे और इसे देने के लिए हमने ये स्केल लिया है और इसके सेंटर में इस तरह से स्केल की मदद से मार्क लगा देंगे। और अब हम स्केल को सेंटर से साइड तक ले जाएंगे और इसके 5 सेंटीमीटर के पास एक मार्क लगा देंगे। इस तरह से दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर का हमने इस तरह से मार्क लगा देना है। दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों तरफ मार्क लगाने के बाद अब हमने जो साइड पे मार्क लगाया था उसको कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद अब इस केक के ऊपर ही हम इसे असेंबल कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे रख रही हूँ, सेम इसी तरह से रखें। आगे से थोड़ा सा गैप होगा और पीछे से बिल्कुल साथ अटैच करना है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से कट करके इसके ऊपर रख देंगे इसी के साथ। अगर आपको लगे ऊपर वाला केक नीचे वाले केक से थोड़ा सा बड़ा है साइड से तो आप साइड से इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमने केक को अच्छे से इसके ऊपर सेट कर दिया है और अब फ्रंट मिरर की शेप देने के लिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। आई होप मेरी ये आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टाइम वो कमी को मैं पूरा कर सकूँ। फ्रंट कटिंग के बाद हमने इसे विप क्रीम से अच्छे से कवर कर लिया है। इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए और उसके बाद बाकी की डिटेलिंग करेंगे। 1 आवर के बाद अब हम इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। मैं जिस तरह से इसकी डिटेलिंग कर रही हूँ आप भी इसी तरह से कर लें। फ्रंट विंडोज़ बना लेंगे और लाइट्स बना लेंगे, साइड विंडोज़ बना लेंगे, बैक मिरर बना लेंगे। इसी तरह से मैं ये केक अपने बेटे के बर्थडे के लिए तैयार कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप ये केक किसके लिए तैयार करना चाहते हैं। ये केक बनाते हुए मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है और वो मिस्टेक क्या हुई है इस वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगी और आप उस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपसे वो मिस्टेक ना हो। मैंने इसमें अच्छे से डिटेलिंग दे दी है। मैं 3 लेयर्स का केक बना रही हूँ और मैंने ये फर्स्ट और सेकेंड लेयर भी तैयार कर ली है। फर्स्ट का बेस मैंने वाइट रखा है और सेकेंड लेयर का मैंने लाइट ब्लू रखा है। इसके ऊपर हम असेंबल कर देंगे और रोड बनाने के लिए इसके ऊपर मैं डार्क ग्रे कलर की विप क्रीम लगा रही हूँ। ये हमने सेंटर पे ही लगानी है, एक रोड बना रहे हैं हम इसे। और ये देखिए हमारी ये रोड तो तैयार है। अब इसके ऊपर हम गाड़ी को असेंबल कर देंगे और इस गाड़ी को डेकोरेट करने के लिए हमने ये रेड कलर की विप क्रीम ली है और स्टार नोजल लिया है। अब इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं। आप रेड की जगह कोई और कलर भी ले सकते हैं या फिर आप इसे डबल शेडेड में भी बना सकते हैं। हमने जिस पर डिटेलिंग बनाई थी जैसे मिरर, विंडोज़, उसको छोड़ देंगे, बाकी का हम एरिया सारा कवर कर लेंगे।
मैंने कार को रेड व्हिप क्रीम से अच्छे से कवर कर लिया है। अब इसकी साइड पे जो ब्लैक वाली व्हिप क्रीम है एक बार फिर से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने जब केक इसके ऊपर रखा था तो नीचे वाली रोट सारी छुप गई थी। मुझसे यही एक छोटी सी गलती हो गई है, मैंने नीचे वाला केक थोड़ा सा छोटा बना दिया है और कार थोड़ी सी बड़ी बना ली है। या तो नीचे वाला केक थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए या फिर कार को थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए था। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये गलती ना करिएगा। मैंने एक बार फिर से रोट तैयार कर ली है। अब बाकी के केक को हम डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने इसे चेक शेप देनी है, इसलिए इसे सबसे पहले ब्लू कलर की व्हिप क्रीम से कवर कर देंगे और उसके बाद ग्रे कलर की व्हिप क्रीम से चेक शेप दे देंगे। और ये मैंने लिया है ग्रास वाला नोज़ल और ग्रीन कलर की व्हिप क्रीम ली है और नीचे वाले बेस पर हम इस तरह से ग्रास बना लेंगे। मैंने सेकंड लेयर और कार को बनाने के लिए सेम साइज़ की बेकिंग ट्रे ली थी, यही गलती होगी मुझसे। आप सेकंड लेयर से एक छोटा साइज़ ही आप कार बनाने के लिए बेकिंग ट्रे का लें। मैंने ये 3 लेयर्स का केक बनाया है, आप 2 लेयर्स का केक भी बना सकते हैं या फिर आप सिंपली कार का केक बनाकर भी कट कर सकते हैं। कार बनाने के लिए हमने बड़ी वाली स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया था और विंडो बनाने के लिए हमने छोटी वाली स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया है। और अब हम ग्रास के ऊपर वाइट स्टार नोज़ल से छोटे छोटे फ्लावर्स बना रहे हैं। रेड एंड व्हाइट नोजल से हम इसके ऊपर और फ्लावर्स बना देंगे। इनकी व्हील्स बनाने के लिए ये मैंने ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, इसे व्हिप क्रीम से मार्क लगा देंगे और चारों साइड गाड़ी के लगा देंगे। और ये देखिए हमने चारों व्हील्स को लगा दिया है, हमारा ये केक तैयार है। आप इस केक को बर्थडे पे बनाएं या फिर किटी पार्टीज के समय बनाएं या फिर आप इसे ऐसे भी बनाकर एंजॉय करें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।